ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਪੋਤੀ ਵਾਲੀ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਉਹ ਲੜਕਾ ਆੜ ਖੜਿਆ ਸੀ ਲੜਕੀ ਮੰਮੀ ਖੜੀ ਸੀ ਤੁਗਰੀ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਔਰ ਉਹ ਟੇਕ ਆਤੇ ਉਹ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਸਰ ਪਰ ਉਹ ਫੋਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਜੇ ਉਸਕੋ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ कल हरियाणा मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों को जय वीर ढोला की ओर से राम राम और नमस्ते भाई। फिलहाल जो है आप लगातार एक गांव का मामला देख रहे हो भाई। जो ये जो माता पिता है इनका कहना है कि भाई जो इनका जो लड़का था उसको जो है बहू ने भाई गोली मार करके इस तरीके से भाई हत्या कर दी है। तो जो उनके माता पिता है उनसे पूछेंगे भाई पूरी बात कि इतने दिन के बाद ये कैसे खुलासा हो रहा है और कब मतलब पता लगा इनको। तो अंकल जी राम राम। राम राम बेटे। क्या बड़ा बता खुल रहा है रुड़की गांव जला रो। अच्छा राजेंद्र बरा नाम। तो भाई रुड़की गांव से फिलहाल जो जिला रोहतक का गांव है सोनीपत रोड पे मतलब थोड़ा रिंग रोड पर जाता है जो बागोट फरमाणा रोड पे। हाँ तो अंकल जी कैसे ये पूरी घटना हुई जो बता रहे थे आप। बेटे मेरे लड़के का मेरी पुत्र को धुन गोली मारी। अच्छा कब की घटना है ये 21-22 नवम्बर की 2022 की रात की बात। अच्छा लगभग ये मान के चलो 7-8 महीने हो गए। 8 महीने 22 तारीख हो गए। अच्छा तो अब इतनी लेट कैसे आप मतलब मीडिया के सामने आ रहे हो क्या होगी इतनी लेट हम मीडिया के सामने ना आ रहे हम प्रशासन को भरोसा करके ना अच्छा। प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं चुप। अच्छा ये प्रशासन ने मतलब मारे लिए हम इंतजार तो है किसी बात का अब हमने न्याय मिल नहीं मिल रहा दो ढाई महीने से अभी बैठे दो ढाई महीने से तीन से मान लो दरखास्त लगाने लगे। उससे पहले हम IMT थाने में आदमी लेकर गए हम अब भाई हमारी कार्रवाई करो हम खुद गए हम पर हमारी कार्रवाई नहीं किस वजह तो हो रही है जो नहीं पे रहा किस वजह से कार्रवाई नहीं हो रही इस बात का हमने नहीं। अच्छा जो उन्होंने मतलब बता रहे हो गोली मारी है इस बात की कैसे पुष्टि कर रहे हो आप क्या सबूत ऐसा क्या पता लगे आपको कि उन्होंने मारी है। उस समय मारी है मेरी पोती ने बताई नहीं जो उसके साथ में उसका सोती आना थी अकेली के साथ। अच्छा उस पोती ने आप पोती का गोली मारी मतलब जो बहुत ही आपके आपके लड़के उस पोती के सामने गोली मारी पोती के सामने गोली मारी पोती आड़े सोफे पे बैठी थी वो लड़का आड़े खड़ा था लड़की मम्मी खड़ी थी तुगरी ने अच्छा और वो टेक आते हुए लगा रहा था और वो फोन में क्यों देख रहा था। अच्छा जब उसका गोली मारी। अच्छा मतलब क्या लगता आपको क्या रोड़ा होगा इतनी बड़ी बात करती मतलब गोली मार दी अपनी वही समझना नहीं आ रही एक अंदाजा हमारा अब उसके अपने जीजा से रिलेशन थे। अच्छा जीजा से रिलेशन थे उसके। अच्छा और वो नाजायज संबंध अच्छा उसके साथ हो सकता हूँ उनकी कुछ रड़ी मिली भगत मिली भगत का कारण हो जाए। अच्छा मतलब ये 100% नहीं आप ये शक के आधार पर बोल रहे हो। हाँ कि उसका शक पर लेकिन गोली जो मार रखी वो 100% बोल रहे। अच्छा जो जिस हथियार से जो गोली मारी गई थी वो हथियार आपके लड़के का था वो सरकारी रिवॉल्वर था उसका सर्विस रिवॉल्वर। अच्छा गलों का प्रश्न था नए नए गलों का। और क्या दिल्ली पुलिस में कार्य करते हैं वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में थे। अच्छा हेड कॉन्स्टेबल। और अब जो आपका छोटा लड़का था वो किस आरोप में उठाया गया आप बता रहे हैं वो उसके भाई मतलब मेरे लड़के प्रदीप के साले का मर्डर हुआ था 14-15 अप्रैल 2023 की रात अप्रैल की। अच्छा तो उसको उन्हें सुबह पता चला 8 बजे उसका कत्ल हो गया था रात के 12 बजे के आसपास उसके भाई का। हाँ अच्छा और उसको पता चला उनको सुबह उठाने गए जब 8 बजे के आसपास। अच्छा तो उसने यूं ही कह दिया सीधा ही अगर मेरे देवर ने मेरा भाई मार पोस्टिंग बीकानेर थी वहां से वो अपने अफसर से बात कर कर वो मतलब दिल्ली आ गया था सेंट्रल में राजरथ में 19 में राज उसने यूं ही छोड़ रखा था कि भाई तू अपना घर भी संभाल ले ड्यूटी। अच्छा
तो वो उस सरकार कार्रवाई में उसके जो करगी थी वो कर उसने वो इस अपने बचाव के लिए उसको फरमाया कि कार्रवाई करनी है। ये जो आप बता रहे हो उसके भाई की डेथ कब हुई थी? उसके बताओ सर 14-15 अप्रैल 2023 की रात में। अच्छा, जो मतलब आपके लड़का था उस समय वो ड्यूटी में तैनात था या कहाँ? नहीं, छुट्टी आ रहे थे बीच में। अच्छा, वो यहाँ से फिर फरार हो गया, पुलिस उसका नाम लिया। अच्छा, ड्यूटी का डर लगा ले, पुलिस की पिटाई का डर लगा ले, कुछ भी डर लगा लो, डर में फरार हो गया। अच्छा, वो फरार हो गया, उसके बाद पुलिस को मतलब अब गिरफ्त में है या कहाँ पे अब वो? हाँ, वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में हाल में। अच्छा, पूछताछ के लिए? नहीं, हमें नहीं पता। अच्छा, वो किस लिखते मुझे तो पता है कि ये कारण है, पूछताछ करेंगे तो हरियाणा वाले करेंगे, सोनीपत जिले का। अच्छा, तो वहाँ करें। तो फिलहाल जो मतलब आपकी बहू थी, आप बता रहे थे 5 महीने आपकी लड़की डेथ होने के बाद यहाँ पे रह के गई? हाँ, हमारे पास रही है। अच्छा, वो 23 मार्च को बच्चों के पेपर खत्म होने के बाद में यहाँ से गई है। अच्छा, यूँ कह गए पापा मैं छुट्टी हो चुकी है 10-15 दिन की, मैं अपने घर वो घूमे हूँ, बच्चे ले गए मैं ले जाए, वो फिर पोते पोते ले गई, दो पोती थी वो अपनी बुआ के परौनी चली गई। अच्छा, तब वो पोते ने वाले जाएंगे, फिर एक पोती वो बाद में ले गई बड्डी। फिर जो आपकी पोती थी 9 साल की जो आप बता रहे हो, हाँ, उसने आप तो ये मतलब कब बताया कि मैंने देखा भाई गोली मारते हुए? वो 14-15 की रात में उसका कत्ल हो गया। हाँ, 19 तारीख को उनकी बैंक में आई थी मेरी पुत्र मोनिका, 19 कौन से कौन से महीने की? अप्रैल को ही, 4 दिन बाद में उसके कत्ल के 4 दिन बाद में आई। अच्छा, सपोर्टी ले रही थी और उसका था बैंक में उनकी एक रह के दिख रहा, वो वही से वापस चली गई। तब वो गाँव में देख के हमने तो नहीं पता चला वो आई, तब गाँव वाला तो देखी थी, तो एक औरत बोल रही थी घर पर, कई औरत कट्टी हो रही थी, अब दो की गड्डी मोचे अब के कल दबो आई थी बैंक में काले की मोनी, वो घर नहीं आई, दूसरी बोली घर की समूह था होगी, देखिए उसने तो छोड़ेगा खाम खान नाम दे दिया डीजेगा प्रवीण का और फंसा दिया, तुम दोपहर बाद ले घर की समूह था होगी, पोती बोली दादी मेरी मम्मी घर नहीं आ पा रहे, ना बेटी मर रही अगवा बात नहीं दादी वहां ना होगी तो मैं मार दी। अच्छा, अब तेने क्यों मार रही? अब उसने मेरे पापा के मरा के गोली मारी थी, मैं मेरे दादा अंदर बुलाउन भाजी ना, जब उसने बातू पकड़ के मेरी पकड़ ली, पकड़ के मेरी छाती फिर तुल दी है, सन्यो बोली अब के जन ने किसा का मुंह खोल दिया था तेरा बाप तो मार दिया तन नहीं मार दिया, अब मैं किसा के नहीं बताऊ अपने भीतर बात बोली, फिर मैं देने बताती भीतर दादी मन डरती नहीं बताऊ जी, वो आओ नहीं मैंने मार नहीं सकती, मार नहीं सकती मन तक मैं बोलिया मैं बेटी तने यह बात बता दे दी पर थोड़ी जच्ची कम बोली दादा खून का एक बलियान था जो मेरे पापा का खून होगा ना तो खुद है हाँ। उस लोग बलियान तो खून पूछा हर वक्त की तक है हर मित्र है, मैं बोला मैं भीतर तलाश करूँ, तलाश करी दो बेड में पाई सराहने के मैं जो करा दो। अच्छा, वेरी उसमें पाई हुआ पाई तो देखा तो स्टार्ट होने का पलट लग रहा था कब्बे हाथ से पड़े। अच्छा अच्छा, वेरी एक पुलिस वाला है यहाँ लड़का पुलिस में वो आ गया एटो मतलब एक उस टाइम आ गया सहयोग से। अच्छा, ऑटोमेटिक आ गया, मैं बोला रविंद्र सुनिए आगा मगा यार इसके जो पेंट लग रहा है खून लग रहा है, मैं बोला 110% खून है भाई, बारह लाख रूद का काम इसका योग खून है भाई अल्लाह काटा खून है। तब वो बलियान मना IMT थाने में दे दिए, लड़की के बयान करवा दिए, SSP के भी बयान हो गए, CI वाले भी आगे बयान दिए गए, लड़की की काउंसलिंग भी होगी, इतनी मतलब 4-5 जगह तो एप्लीकेशन भी ला दी, 3-4 बार SPJ मिल दिए, पर कार्रवाई नाम की चीज नहीं हुई, हमने प्रशासन झूठा मान लिया। अब ये पोती ने भगा के ले रहे हैं खुद मेरे IO प्रतीक ने मेरे सामने यह बात कही थी, अब अंकल तो
पोती ने शखा के लिया मर मैं शखा को पोती ने लिया तो बताओ बहुत अमन ने नहीं शखाई ये प्रतीक आई हो मारा सब इंस्पेक्टर उसके मेरे यहाँ आशा मेरे जान मैं बहुत अमन नहीं शखाई ना फिर मैं तुम उसने जाकर पूछ लो अगर ये ठीक है पर वो पूछ नहीं रहे उन जो आपने दी है इतनी एप्लीकेशन उनके घर पर कोई सम्मान वगैरह पहुंचा हो बुलाए हो आपके आमने सामने कुछ बातचीत हुई हो हमारे यहाँ सभी कोई बात नहीं हो रही है प्रशासन ने हमें जरूर बुलाया है दो बार एक बार डीएसपी बुलाए थे आपकी एप्लीकेशन ला गई है एसपी साहब हो गए आ रही है और एक बार आए आईएफटी थाने में बुला एक बार दो बार बुलाया आईएफटी थाने में एक बार डीएसपी बुलाया अगर आपकी एप्लीकेशन आ रही है उन नंबर पर लगवाई थी अगर मेरी एप्लीकेशन आने वाली इस केस के बाबत ये बात हुई है और उसको मेरे सामने नहीं बुलाया गया या उसके बारे में और कोई पूछताछ मेरे सामने नहीं हुई बाकी कुछ ये कहे हमारे पूछताछ वाजब हुई थी जिस दिन मर्डर हुआ वो उसके यार दोस्त ना गई थी एक मीनू नाम की लड़की उसको जबानी पूछताछ तो अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं जिससे आप लोग संतुष्ट हो संतुष्ट नहीं 8 महीने के कातिल के जमीन में बैठे चलो वो बहुत ही कातिल है तो कोई और है मतलब हम ये नहीं करे हम तो कहा बहु का नाम लेकर कतल मारा बहु न कर प्रशासन गया बात नहीं जस्ती प्रशासन उस कातिल ले जाती जिन्हें कतल कर है जो उनकी नजर में जो कातिल उसने लिया हो उसके प्रूफ के पर कातिल ने तो पकड़ो मेरे बेटे के मैं गिरफ्तारी तो उसकी होनी चाहिए जिसने मार रखा है हम यह कहा मारनी आई गिरफ्तारी तो भाई देख सको पूरा मतलब परिवार जो है कहीं ना कहीं बर्बाद हो चुका है एक लड़के की जो है डेथ हुई है या वो ही है अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई है लेकिन जो छोटा लड़का था आर्मी में था वो भी भाई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दो ही लड़के होंगे दो ही लड़के मैं एक और कहना चाहूँ मेरी जो कोची मौके का बात है उसकी जान में खतरा है उसका स्कूल में जाना भी बंद कर रहे हैं क्योंकि वह स्कूल उन्होंने टाउन आई थी इस बात का स्कूल प्रशासन गवाह हर स्कूल के बच्चे गवाह हर जो बस स्टाफ था वो गवाह अच्छा लेन आई थी स्कूल टाउन आई थी दोनों लड़की जब आ रही थी तो उसने आगे बड़ी लड़की नहीं पूछी उसने ये पूछा जोयल कहाँ जोयल कहाँ जोयल कहाँ अब जोयल गवाही दे रखी थी ना उसने तो हमने डरते नहीं लड़की घर बैठा दी प्रशासन तो नौ है मोदी जी की या कह लड़की बेटी बचाओ बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ और हमारी बेटी की जान बच जाओ ऐसा माना अब इतने कत्ल गिरफ्तार नहीं होती इतने हमारी बेटी की जान में खतरा है और हम बूढ़े दादा दादी कब तक रोखड़ कराएंगे इस बात का प्रशासन ने ध्यान करना चाहिए एक जान का मामला हाथ जोड़ कर बैठे प्रशासन पे अब भाई हमारी पोती की जान बसाए तो भाई इस बात को भी कहीं कहीं गौर करने योग्य है ये बात क्योंकि भाई जो सबूत के तौर पे जो लड़की है वही है हाँ वही है वो बनियान है खून की दस्ती हाँ वो जो है तो इस वीडियो को जितना उसका भी शेयर जरूर कर दियो और आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर देना भाई कि क्या कुछ आपको लगता है आगे इसमें क्या कुछ कार्रवाई होनी चाहिए और आपको क्या लगता है कि जो बात पूछनी थी वो रह गई हो तो अगली वीडियो पूछेंगे तब तक के लिए देखते रहिए जय हरियाणा जय भाईचारा।